Well done. Confidence. I like that. So, Sharks, I am Sanandan Sudhir, presenting OntoCook. I am the inventor of this particular product. This product ऊपर से microwaves देता है, नीचे से gas या induction देता है. So basically, आप simultaneously cook कर सकते हैं नीचे से gas या induction से और ऊपर से microwaves से. This is the fastest cooking device on the planet. Wow. जो कि आपके लिए बचाता है 70% समय, 50% ऊर्जा. और आपको देता है भोजन जो कि किसी भी अन्य कुक किए गए मेथड से ज्यादा पौष्टिक है. हम हरा भरा कबाब फ्राई कर सकते हैं 30 सेकंड्स में, जंबो पैटी 1.5 मिनट में. हम चिकन बना सकते हैं जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा 7 से 8 मिनट में. सो शार्क्स, डिसरप्ट करने आया हूं मैं कुकिंग इंडस्ट्री को. हर माँ बेटी बहन बहू भाई जो भी कुक करता है घर में, 2 घंटे उसके लिए बचाने आया हूं मैं. 1 करोड़ रुपया डिमांड कर रहा हूं 1% के लिए. कुछ पीने के लिए भी लाए हो किसी दुकान में? आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर. आई एम जस्ट किडिंग. सो वेलकम टू शार्क टैंक. आपका कॉन्फिडेंस तो सॉलिड है बॉस. तो आपको थोड़ा हिस्ट्री बताइए, आपने कैसे ये स्टार्ट किया, पहले क्या करते थे? सो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक्चुअली प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ. उसके बाद कुछ देर टेलको में ट्रेनिंग किया, उसके बाद में जीई हेल्थ केयर पहुंचा. वहां पे मैंने 10 साल मेडिकल प्रोडक्ट्स डेवलप किए. जी का सफर खत्म करने के बाद मैंने एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप को ज्वाइन किया. वो इन्वेंटर्स इन द यूएस को हेल्प करते थे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में. वो उसे इंफोसिस ऑफ डिजाइन बनाना चाहते थे और मेरे हिसाब से डिजाइन स्केलेबल नहीं है, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान किया. 2011 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है इन्वेंट इंडिया. एक क्वेश्चन, जिससे पहले आप वो करो, क्योंकि आप 7 मिनट आपने बोला था, कुछ कुक करके लगा दो, जब तक आप बोलते रहना कुक होता रहेगा. वेरी वेरी ब्रिलियंट आइडिया, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस. ये बेस्ट इन क्लास पैन्स हैं. ये 5 फ्लाइज का पैन बनवाया है हमने. ये मेरे पास कुछ ऑयल है. मैं वहां पे आके देख सकती हूं ये कैसे कुक हो रहा है? प्लीज कम. सो अभी तक मैं जो भी कर रहा हूँ वो जैसे आप नॉर्मली खाना बनाते हैं वैसा ही है. टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से आप समझिए कि मैं आपकी किसी हैबिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ. प्याज डाल दिया. सो अभी देखिए, अभी मैंने ये इसके बीच में थोड़े से टमाटर डाले हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली. एक्चुअली आई एम टेकिंग टू मच टाइम, सो आई जस्ट क्विकली डू दिस. सो आई हैव जस्ट एडेड द चिकन हियर. अभी इसको कुक होने में कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट्स. तब तक आप सेंटर में आ जाइए. Somebody please. ये फास्ट कुकिंग इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग में कैसे फिट होगी? कोई भी फूड आइटम 72 डिग्री से ऊपर जब आप कुक करना शुरू करते हैं तो उसके प्रोटीन्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं. 72 डिग्रीज के अबव अगर आप नॉर्मल चिकन कुक कर रहे हैं और आपको 25 मिनट लग रहे हैं, और अगर हम 7 मिनट में कुक कर रहे हैं तो आई एम रिड्यूसिंग दैट टाइम टू 1/3. सो आपके प्रोटीन लॉसेस कम है. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुकिंग क्लास में आ गया. थोड़ी सी यहाँ पे हम बिजनेस इवैल्यूएट करना चाहते हैं. आपका अगर चिकन रेडी है तो उसको खाते हैं और सवाल पे आते हैं. एब्सोल्युटली. दिस लुक्स गुड, इट स्मेल्स गुड टू. पुयुष, अगर आप टेस्ट पूछो ना, सॉलिड है. सनंदन, आपने 7 मिनट में इतना डिलीशियस चिकन बनाया है, इट्स अमेजिंग. इसमें दाल मखनी बनती है अच्छी? एनीथिंग, 70% समय कम. कितने का यार ये डिवाइस? हम यूएस में लॉन्च कर रहे हैं सीएस में फ्रॉम द 5th to 8th. इंडिया का प्राइस बता दो यार. हम 50,000 में बेचना पसंद करेंगे हाई एंड प्रोडक्ट. कॉस्ट कितनी है? बिटवीन 10,000 and 15,000 रुपीज. सनंदन, आपने अभी किसी के साथ ये पायलट टेस्ट किया है? कोई कंज्यूमर्स के साथ जिनको आपने मशीन दी हो? मैं 100 से ज्यादा डेमोज दे चुका हूँ, B2B में भी और B2C में भी. हमारी जो टारगेट ऑडियंस फिट हो रही है वो बेसिकली है एक छोटा रेस्टोरेंट ओनर जिसके पास 6 से 20 टेबल है. क्योंकि उसको अलाकार्ट बनाना होता है. वो सुबह पहले 10 किलो चिकन कुक करके नहीं बैठ सकता है.
जब आप घर की किचन के लिए नहीं है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए। मैं आ रहा हूं, सो B2B ऑडियंस के बारे में पहले बात कर रहा हूं। तो क्लाउड किचन्स में क्यों नहीं तोड़ देते? क्लाउड किचन से बात कर रहे हैं हम, मैं वही बोल रहा हूं। पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लिया आपने? सो मेरे पास एक दो LOIs हैं, बट द पॉइंट इज हम अपनी प्राइस अभी फिक्स नहीं किए हैं। कितना टाइम लगेगा प्राइस फिक्स करने में? अभी कर लेते हैं। सो सनंदन, आपकी प्रेजेंटेशन वॉज फैंटास्टिक। मैं एक्चुअली इससे इसलिए बाहर हूँ क्योंकि मैं टिपिकली प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करती, बिकॉज वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं की समझ करना बहुत मुश्किल होता है, वो ट्राई करके ही समझ आता है। तो गुड लक टू यू एंड आई होप आई विल डिसरप्ट द कुकिंग इंडस्ट्री, ये मेरा प्रॉमिस है। अपनी वैल्यूएशन 100 करोड़ की कैसे लगा? एक एक्चुअली ग्रुप ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कि सबवे को वो अवन दिया था जिसमें कि 15 सेकंड में आपका ब्रेड गर्म हो जाता है। उन्होंने हमें एक सेफ नोट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ऑलरेडी। जी हाँ, फॉर 2.5 million अप्रोक्सीमेटली वो हमें 20 करोड़ देने के लिए तैयार थे 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे उस समय में। ये फर्स्ट कोविड और सेकंड कोविड के बीच की बात है। यार समझ नहीं आ रहा है, आपको पैसे मिले या नहीं मिले? आपको सेफ नोट मिला का क्या मतलब? सेफ नोट मिला मतलब पैसे मिले अगर दोनों पार्टी ने साइन कर लिया? नो, सेफ नोट मिला उसका मतलब था कि इट इज कंडीशनल, इट्स लाइक अ टर्म शीट। टर्म शीट मिला, आपको सेफ नोट नहीं साइन किया, आपने टर्म शीट मिला। सेफ इज सिंपल अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, इसका फुल फॉर्म ये होता है। मतलब आपने ऑलरेडी अग्रीमेंट कर लिया, अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया है तो वो टर्म शीट हुई। हाँ, सो हमें टर्म शीट मिला सेफ नोट के रूप में, जिसको कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पूरे ग्रुप के साथ आज तक मीटिंग ही नहीं हो पाया। तो वर्चुअल हो जाती है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। वो जिसको देना होता है ना वो दे देता है। नहीं नहीं, वर्चुअल में हम दिखा चुके हैं, वो बहाने मारता। पर आपने इंडिया में 10-20 इतने तो HNIs हैं, उनको तो दे सकते थे आप ये प्रोडक्ट, क्यों नहीं बेचा आपने? 50 प्रोडक्ट ही बेच दिए। चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही चेक करने के लिए होता, आपने वो नहीं की है टेस्टिंग। CNC मशीन बड़े ब्लॉक्स में से एक एक पार्ट को बनाया गया है। $16,000 इज माई कॉस्ट टू मेक वन प्रोटोटाइप। ओके, सनंदन, आई थिंक यू आर लाइक एन आर्टिस्ट जो अपने आर्ट से प्यार कर चुका है और वो ये देखता है कि शायद लोगों को इसमें खामियां नजर आएगी तो वो बाहर नहीं ले जाना चाहते। ऐसा नहीं, मैं ये भी सोचता हूँ कि इसके लिए आपको माइंडसेट और बिहेवियरल चेंज के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं, इस रीजन के लिए मैं आज आउट हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट। कैन आई स्टिल आंसर यू? नो नो नो, ही इज आउट। नहीं नहीं नहीं, अब आप मेरा सुन लीजिए। तो आपको देख के ना मेरे को शाकाल की याद आ रही है। उसकी भी ना बड़ी खासियत थी वो, शान। हाँ, शान मूवी में नीचे शार्क्स होती थी, उसको खिलाते रहता था आते जाते। आपने भी हमको वही समझ रखा है कि कुछ खिला दो इनको, फिर बाद में बंद करेंगे इनको एक्वेरियम। ब्रिलियंट जोक। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही ना, आपने किसी की घर पे कुक करवाया ना? सर, 100 से ज्यादा लोगों के घर में हम कुक कर चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में कुक कर। वो छोड़िए ना, आपने उनसे नहीं कराया, उनसे करवाया एक बार। बट आई कांट लीव द प्रोडक्ट देयर, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। शाकाल भाई साहब, मेरी बात तो सुनो। गिव इट टू देम, दे कैन बेक इट, दे कैन कुक, बट देन आई हैव टू ब्रिंग इट बैक, आई कांट लीव इट। अरे यार बोल दे। अरे 2 मिनट मांग लो। आप मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं 1 सेकंड ऊपर नहीं लूंगा, ठीक है? समझ आ रहा है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, बहुत स्मार्ट है, माल बेच लेंगे तब बात कर लेंगे, अभी के लिए मैं आउट हूं। सनंदा, आप जब आए थे, आपका लोगो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ना हसलर नहीं हो। आप प्राइस कह रहे हैं मैं सेट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मैंने ट्रायल नहीं, आप मेरी, अरे यार एक बार, ये भी प्रॉब्लम है यार, आप भी प्रॉब्लम है कि आप, ये भी आप प्रॉब्लम है कि आप फीडबैक भी नहीं लेना चाहते। सॉरी, मेरा ये व्यू है कि आप एक प्लीज एक को-फाउंडर को लाइए, आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? और एक प्लीज मेरे यहाँ भिजवा देना, जो भी आपका प्राइस है मैं पे कर दूंगा, ताकि एक सेल तो हो जाए आपकी, एक, ठीक है? और मैं फिर आपको फीडबैक दे दूंगा, और नहीं चलेगा तो वापस ले जाना भाई। है तो बहुत महंगी। तो मैं अभी बाहर हूँ इससे। I would not be a customer. Sure. But I'm sure कि आपको आपके प्रोडक्ट में बहुत कन्विक्शन है। एक बार आपने दो चीजें कर ली, गुड प्राइस, सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्स, तो फिर नेक्स्ट सीजन आप वापस आइएगा। 5-4 का होगा। सनंदन, मैं भी आपको अपना डिसीजन सुनाती हूँ। जो आपने प्रॉब्लम स्टेट किया, आप घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आप B2B बेच रहे हैं, आप पहले उनके साथ चेक करना चाहते हैं, फिर घर पे बाद में आएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि विजन ही क्लियर नहीं है। तो आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम देयर जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू डू। मैं उस वजह से आउट हूं।
मैंने 10 साल इन्वेंट इंडिया चलाया है, मैं दो मेरे पास 2 मिलियन की टर्नओवर है, 15 करोड़ की टर्नओवर है, मैं 20 प्रोडक्ट्स और लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करके देता हूं। मैंने तब से अब तक की जर्नी की ही इसलिए थी ताकि जब मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊं उस टाइम पे मुझे कोई भी गैप ना हो। आई अंडरस्टैंड अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे को एक सीईओ हायर करना है, मैं 5% दूंगा और उसको अपना अपने साथ लेके चलूंगा। मेरा काम रहेगा प्रोडक्ट बनाओ, मैन्युफैक्चर करो। Six sharks are out. I'm the last one. I'm also out. Hire that CEO. Thank you so much. All the best. Thanks a lot, guys. Thank you very Thank much you. For your time. Thank you, Sanandan. Bye. ये machines यहाँ आके छोड़ के जा रहे हैं? नहीं नहीं. वो एक-एक हम ले आएंगे. You can take one. You can take. Thank you. You can take one बोला. Piyush लेके भागो. भाई मेरे को तो चाहिए. इसके साथ काम कैसे करेगा यार? किसने? अरे क्या बात कर रहे हो? कितने पैसे डाल दिए? लेकिन ये बात है ना, जो रूममेट के, मैं भी अपने रूममेट से कुक करवाता हूँ।